मुंबई की सड़कों पे बेसहारा घूमते बेघर मानसिक मरीजों के लिए डॉक्टर भरत वटवानी एक फरिश्ते की तरह हैं। मुंबई के नजदीक करजत में श्रद्धा नामक अपने पुनर्वास केंद्र में डॉक्टर वटवानी और उनकी पत्नी स्मिता ने ऐसे मरीजों की सेवा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है, जिन्हें अन्यथा समाज में कलंकित करके छोड़ दिया जाता है। ये महिलाएं और पुरुष अक्सर उस वक्त दयनीय हालत में होते हैं जब इन्हें पहले पहल सड़कों से उठाकर लाया जाता है। कईयों के बदन पर तो कपड़े तक नहीं होते और बहुत सारे मरीज या तो जख्मी हालत में होते हैं या अनेक रोगों से ग्रस्त। हम उनको तत्काल कपड़े पहनाते हैं, उसको लेकर आते हैं यहाँ पर, आकर हम लोग उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसके बाल कटिंग करते हैं, उसके नेल कटिंग करते हैं, धीरे धीरे उससे और इमोशनल रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, मानसिक दवाइयां चालू करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में डॉक्टरी इलाज और दूसरी उपचार पद्धतियों से रोगियों की हालत में तेजी से सुधार आने लगता है। सेल्फ मटरिंग है, सेल्फ क्राइंग है, वॉयलेंट होना, इररिलेवेंट टॉकिंग है, ये सब सिम्टम्स कम हो गए हैं तो पेशेंट अच्छा हो जाता है। मरीज के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद शुरू होती है सबसे बड़ी चुनौती, रोगी के परिवार की खोज और उनसे पुनर्मिलन की कोशिश। चैलेंजेस ऐसे रहते हैं, कई बार उसका घर शिफ्ट हो जाता है, किसी बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग टूटी हुई रहती है, कोई उसका पहचान वाला मिलता नहीं है, कभी कभी उसके रिलेटिव अब्रॉड रहते हैं, कई बार ऐसे रहते हैं कि एक गांव का नाम बोले, एक गांव के तीन चार गांव एक ही गांव नाम के रहते हैं। हमारे ट्रेंड सोशल वर्कर्स हैं, वो एड्रेस निकालने में ये करते हैं और धीरे धीरे उसकी एड्रेस मिलते जाती है। श्रद्धा ने आज तक 3,500 से भी ज्यादा भटकते पाए गए रोगियों का इलाज कर उन्हें देश के अलग अलग इलाकों में अपने परिवारों से मिलवाया है। जितना भी हमने जो प्रोग्रेस किया है, दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ आवर वर्क एंड व्हाटएवर इमोशनल फीडबैक इट गिव्स अस, द जॉय दैट इट गिव्स अस। वटवानी परिवार की निष्ठा और समर्पण ने समाज द्वारा ठुकराए गए हजारों लोगों को नई गरिमा और आत्मसम्मान देकर अपनी बिखरी जिंदगी को नए सिरे से संवारने का मौका दिया है।